तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मेरी तरह बढ़िया ही होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन बनाने वाले अपने बाइक के लिए। तो वही देखो, हम लोग ने ये वाले सपोक्सर के पाइप्स लाए हैं यहाँ के। तो अभी हम लोग इसे प्रोडक्ट स्टैंड बनाने वाले हैं। तो वही चलो दिखाते कैसे बनाते प्रोडक्शन अपन बाइक के लिए। यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है क्योंकि कोई भी KTM की बाइक से उसमें मेन स्टैंड आता नहीं है, इसलिए मेन स्टैंड की प्रॉब्लम हो जाती है जब अपन चैन लूप करते या कोई दूसरा काम करना रहता है तो। और जो इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट स्टैंड आता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। हाँ बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मेजरमेंट ले रहे हैं हम लोग कि कितना क्या रखना है, और यहाँ पे आरी लेके काटने के लिए रेडी। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे कैसा बनाते हैं। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है। तो ऐसे कभी भी वेल्डिंग होता है तो फ्रेंड्स उसको आप ज़्यादा देखिए ना, क्योंकि आपको आँखों को हार्म हो सकता है। इसीलिए अपने सिर्फ वीडियो बनाएंगे, देखते हैं सिर्फ, ज़्यादा वेल्डिंग को नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट लेके बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है। अभी देखते हैं, हम लोग ने अभी इसको यू टाइप में तो बना दिया है अभी, और इसके लिए अपने को परफेक्ट मेजरमेंट लेना पड़ेगा उसकी, नहीं तो उसके बिना पूरा अपना प्रोडक्शन सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो चलो दिखाते हैं और आगे आपको कैसा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट हो चुका है, तो अभी इसको पूरा फिनिशिंग दे रहे हैं वेल्डिंग करके। तो पूरा जो प्रॉपर वेल्डिंग मार देंगे, खाली खाली एक दो पॉइंट से चिपका के रखा था मेजरमेंट लेने के लिए। तो आप ऐसा करा रहे हो ना तो परफेक्ट मेजरमेंट लेके ही कराना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने यहाँ से मेजरमेंट ले लिया कि यहाँ से ये रोड कितना रखना है। तो अभी वही वहाँ पे भी मेजरमेंट ले रहे हैं अभी। अभी वो रोड को काटेंगे, फिर से वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो वापस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी यहाँ पे सीधा वाला रोड लगा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ऐसा करके वेल्डिंग मार देंगे। परफेक्ट मेजरमेंट ले रहे हैं लोग अभी। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ये वाला भी रोड लगा दिया है, इसे खड़ा रोड। अभी यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और टाइम हुआ यहाँ पे 12:10। अभी ये रुको, इतना कर लेते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा बनी क्या है पेडोक स्टैंड। सिर्फ अभी इसमें अपने को यहाँ से एक सपोर्ट देना है, यहाँ से इसे एक सपोर्ट देंगे, यहाँ से एक सपोर्ट देंगे, अगर देखेंगे अगर मन हुआ तो यहाँ से भी एक सपोर्ट दे देंगे इसे और इसे, और यहाँ पे अपन वो लगा देंगे कि जिससे अपनी बाइक उस पर आ सके। बाकी अभी और थोड़ी देर में अपना पेडोक स्टैंड बन जाएगा, और आधे घंटे में वही खाना खा रहे इसलिए थोड़ा रुक गए हैं, खाना खाने के बाद वापस स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे इसका सपोर्ट बना रहे हैं, और हम लोग ने इसको यहाँ से कट कर लिया है ताकि बाद में से डायरेक्ट परफेक्ट बैठ जाए। इसे आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया, इसलिए यहाँ से इसको हम लोग काट दिया है। और देखेंगे अगर यहाँ पे वैसा कोई हो सके तो यहाँ पे भी ऐसा लगा देंगे, बड़ा सपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं आगे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर में हम लोग ये लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे अभी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अपना ये साइड वाला सपोर्ट भी बन चुका है, देख सकते हो कैसा लग रहा है, पूरा पेडोक स्टैंड मस्त लग रहा है। यहाँ पे अभी आप थोड़ा पकड़ने के लिए बनाएंगे आप लोग ऐसे करके, और अभी ये दिखाओ थोड़ा, अरे अभी ये वाला है ना, अपन इधर पे वेल्ड करेंगे इसको, ऐसे ऐसे वेल्ड करेंगे, फिर इसके अंदर से आप लोग ये सरिया घुसाएंगे, ये वाला सॉरी ये वाला पाइप, और यहाँ पे आप लोग ये वाला जो एल टाइप का रोड आता है इसको वेल्ड कर देंगे ताकि अपने बाइक के चेजिस में आराम से लग जाएगा। तो चलो आपको करके दिखाते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स सर अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, और अभी हम लोग यहाँ पे अभी ये कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारे चेचिस को सपोर्ट मिल सके। एक कटिंग कर लिया, अभी दूसरा भी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट स्टैंड बन चुका है, अभी खाली इसका फाइनल काम करेंगे कि ये वाला जो है ना इसे इसमें इसे अटैच होगा ताकि हमारा जो चेचिस है ना स्विंग आर्म उसमें ऐसे बैठ जाएगा इसे, और ऐसे गाड़ी उठ जाएगी। तो चलो अब ये करते, बाद में लगा के देखते अपना
कैसा एकदम सक्सेस होता है कि नहीं होता है देख सकते हो पूरा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बन चुका है। तो ये ऐसे आ जाएगा और इसके अंदर हमारा चेचिस बैठेगा, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फाइनली पेडॉक स्टैंड तो बन चुका है, पर अभी देखते हैं अपने बाइक में प्रॉपर लगता है कि नहीं। तो चलो देखते हैं ट्राई करके अभी अपने बाइक में ये लगता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये पूरा बन चुका है और गिरेगा तो नहीं। इधर थोड़ा और अपने को उसमें थोड़ा और ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा भी अगर ऐसे ढलान वाली जगह पे रहेगा तो गाड़ी गिर जाएगा। आप देख सकते हो पूरा हिल रहा है, बट चलेगा, काफ़ी अच्छा बन चुका है। इसको रुको थोड़ा इसमें और कुछ करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यार अभी अपना ये पेडॉक स्टैंड बन गया है, लेकिन थोड़ा आगे सरक जा रहा था तभी हम लोग इसमें थोड़ा ऑल्ट्रेशन किया। यहाँ पे एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगा दे के जिससे वो रुक के रखे, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। अभी थोड़ी देर में आपको लगा के दिखाते हैं। वहाँ पर अपने बाइक खड़ी है देख सकते हो, और यहाँ पर अपना पेडॉक स्टैंड बन रहा है। चलो अभी हो ही गया, उसको भी खाली लगा के देखते हैं फ्रेंड्स। चलो अभी एक बार और ट्राई करके देखते हैं अपनी बाइक पे कैसा लगता है, खड़ा हो पाता है कि नहीं। एक मिनट हाँ, बराबर इधर लगाओ ना। हाँ यहाँ पे लगा रहे हैं, इस साइड से तो लग गया है, दोनों साइड बैलेंस कर। हो गया हो गया, अब इसको देखते हैं। चलो परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट हमारा स्टैंड बन चुका है, आप देख सकते हो। तो फाइनली इसके दिमाग ने काम कर दिया। सर जी आपका नाम? नाम है हमारा भाई रॉयल एसर राइडर, सर्च कर लेना। हाँ तो परफेक्ट बन गया, अभी मेहनत कामयाब हुई। बोला था ना यहाँ पे ये थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके हम लोग ने ये लगा दिया, और यार मुझे क्या गर्म लगा ना, जल गया मेरा हाथ। तो देखो कितना मस्त लग रहा है पूरा पेडॉक स्टैंड बन गया अपना डन। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये लो अपना पेडॉक स्टैंड यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। आपको मैं इसको एक बार क्लोजअप दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। काफ़ी गर्म हो गया रे भाई साहब। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो अपना पेडॉक स्टैंड एकदम फुल मस्त बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अपन कोई भी बाइक में लगा सकते, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एडजस्टेबल बनाया है देखो आप, ये इसलिए कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ से आप लोग एडजस्ट करके पूरा लगा सकते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हो अपना पेडॉक स्टैंड मस्त अच्छे से लग चुका है। अभी अकेला था इसलिए इसको अच्छे से लगा नहीं पाया, बाकी आप देख सकते हो प्रॉपर अपनी गाड़ी खड़ी है। लात मारती है गिरती है क्या? तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी अपना ये देख सकते हो पेडॉक स्टैंड पूरा बन चुका है एकदम अच्छे से, और देखो कितना प्यारा लग रहा है मस्त। आप भी अगर फ्रेंड्स बनाना चाहो तो आप भी बना सकते हो, आपको सिर्फ पाइप लाना पड़ेगा और आपके आजू बाजू कोई वेल्डर की शॉप होगी आपको बना के दे सकते हैं, और आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बच सकते हैं। अगर आप नया लेने जाओगे तो 2 से 3 हज़ार का आता है, और आपका 600 में बन जाएगा और अच्छा बना है। आप देख सकते हो अच्छे से दिखा देता आपको मैं, आप देख सकते हो यहाँ से और काफ़ी अच्छा भी। देखो गिर भी नहीं रहा है, देखो हिला रहा फिर भी एकदम परफेक्ट है। तो चलो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी यार एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देम टेक केयर, बाय बाय।